हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की ज़िंदगी। कैसे हो आप सब? आज मैं फिर से लेके आई हूँ किचन टिप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दादी माँ के घरेलू नुस्खे 25 बेस्ट किचन टिप्स। नंबर वन, चेहरे पर दाग धब्बों से बचना है तो करेले का जूस पिए। यह कड़वा होता है जो हमारी स्किन और हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। नंबर टू, पेट में दर्द होने पर छोटी इलायची चबाने से पेट दर्द दूर होता है। नंबर थ्री, अगर आपको गर्मी के कारण गम्भीरिया हो रही है तो एक गिलास पानी में नींबू का रस बारीक खीरा काट कर डालें और इस पानी को घमौड़ियों के ऊपर लगाएं और कुछ देर उस पानी को घमौड़ी के ऊपर ही लगा रहने दें। इससे घमौड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर फोर, अगर हिचकी ज़्यादा देर तक रहती है तो धीरे धीरे पानी पीते रहे, इससे हिचकी आना बंद हो जाएगा। नंबर फाइव, चने का आटा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहता है, इसलिए गेहूं के आटे में चने का आटा जरूर मिलाएं। नंबर सिक्स, जिन औरतों के दांतों के बीच खाली जगह होती है वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर सेवन, बेकिंग सोडा और अरंडी का तेल मस्सों पर लगाने से मस्से धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नंबर एट, गर्मियों में बेल का शरबत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको खाने से गर्मियों में होने वाली बीमारियों से आप बचे रहते हैं, इसलिए गर्मियों के मौसम में बेल का शरबत बनाकर जरूर पिए। यह महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर नाइन, एक नींबू का रस एक गिलास पानी में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर होता है। ऐसा 3 महीने तक नियंत्रण करने से चाहिए आप। गर्मी और बरसात के मौसम में यह प्रयोग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से चेहरा बिल्कुल साफ और क्लियर मुहासे नहीं होते हैं। नंबर टेन, अगर किसी को सांस फूलता है, दही की कढ़ी में घी मिलाकर खाए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर एलेवन, आलू का रस आपकी त्वचा में ब्लीच का काम करता है। आलू के रस में थोड़ा दही मिला लीजिए या फिर कच्चा दूध मिला चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 12, चाय की जगह आप आयुर्वेदिक पेय की आदत लगाएं, इससे आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे, इसलिए चाय की जगह आप आयुर्वेदिक पिए। नंबर 13, सूखे तेज पत्तों को बारीक पीसकर मंजन बनाकर दांतों पर रगड़ने से दांत चमकने लगते हैं। नंबर 14, नींबू पर चीनी डालकर खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। जिनको चक्कर आते हैं एक बार यह करके देखें। नंबर 15, मिट्टी के बर्तन में पानी पीने वाले इंसान को कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। नंबर 16, नींबू की पत्तियों को थोड़ा सा कूटकर उनको सूने से सर दर्द में आराम मिलता है। सर दर्द की समस्या हो रही है तो आप एक बार नींबू की पत्तियों को थोड़ा सा कूट लें और फिर उनको सूंघ लें। नंबर 17, सर्दी जुकाम होने पर कपूर की एक गोली पानी में डालकर उसके भाप लेने से ठंड जुकाम में आराम मिलता है। नंबर 18, 60 की उम्र में 30 का दिखना है तो किशमिश का सेवन जरूर करें। यह फिर रात भर किशमिश को पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह पानी पीने सहित किशमिश को खा लें, इससे आप हमेशा जवान रहेंगे। नंबर 19, जब आप चीनी खाते हैं तो चीनी एक सिगरेट के बराबर नुकसान करती है, इसलिए चीनी बहुत कम खाएं या फिर बिल्कुल ना खाएं। चीनी की जगह आप गुड़ खाएं। नंबर 20, हफ्ते में एक दिन करेले का जूस जरूर पीना चाहिए, इससे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे स्किन, हमारे बाल, डायबिटीज सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 21, अगर आपको किसी भी तरह का सर दर्द हो रहा है तो आप बकरी के दूध में सोट पाउडर डालकर नाक से बार बार सूंघने से सर दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 22, अगर आपके हाथ पैरों में खुजली हो रही है तो एलोवेरा के पत्ते हाथ पैरों पर रगड़ने से खुजली ठीक हो जाएगी। नंबर 23, अंकुरित अनाज को फ्रीज में रखने से पहले उसके ऊपर नींबू का रस डालें, फिर फ्रीज में बदबू नहीं आएगी। ऐसा करने से फ्रीज में बदबू नहीं आएगी। नंबर 24, त्वचा में कांच या नुकीली चीज़ चली जाए तो निकालने में परेशानी कर रही है तो उस जगह पर हींग का लेप लगा दें, चुभी हुई चीज़ अपने आप बाहर आ जाएगी। नंबर 25, जो महिलाएं नहाने के बाद गुनगुने पानी में सौंफ डालकर पीती है उनको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता है और वह कभी बीमार नहीं पड़ती है।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, आशा करती है आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय।